60 साल में जो कांग्रेस नहीं कर सकी वो 10 साल में मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान की तस्वीर बदली है। हिंदुस्तान को समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली विश्व की शक्ति बनाने का संकल्प मोदी जी ने किया है कि आज तक संविधान को तोड़ने का पाप किसने किया है? संविधान को तोड़ने का पाप कांग्रेस पार्टी ने किया है। 80 बार कांग्रेस पार्टी ने संविधान को तोड़ा है। आज मैं नागपुर जिले में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का मनपूर्वक स्वागत करता हूं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उनको ये विश्वास दिलाता हूं कि हमारी विदर्भ की जनता उनके नेतृत्व में विदर्भ की पूरी सीटें 10 की 10 लोकसभा की सीटें हमारे पक्ष में रहेगी और हम विजयी होंगे, ये भी विश्वास उनको देता हूं। आप सबको पता है कि आप पूरा विदर्भ का विकास कैसा हुआ, नागपुर जिले का कैसा हुआ और नागपुर शहर का कैसा हुआ, यह आपने देखा है। आदरणीय मोदी जी ने हमारी मेट्रो का भूमि पूजन किया था, उसके बारे में मेट्रो हमारी कन्हान नदी तक आने वाली थी। अब यह निर्णय हुआ है कि कन्हान नदी पर मेट्रो पुल बनाएगी और कन्हान गांव तक मेट्रो आएगी, इसका निर्णय हुआ है। मुझे इस बात की खुशी है कि बाबा साहेब अंबेडकर जी ने दीक्षा भूमि पर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, उस दीक्षा भूमि को विकसित करने का कार्य हमने लगातार किया है। देवेंद्र जी जब महापौर थे, मैं महाराष्ट्र सरकार में मंत्री था, तब से हमने दीक्षा भूमि का पूरा काम पूरा करने की कोशिश की। ड्रैगन टेंपल के लिए देवेंद्र जी ने 200 करोड़ रुपए दिए, ताजबाग के लिए पैसे दिए, परमात्मा एक सेवक समाज के लिए हमारे जो आदरणीय बाबा है श्रद्धेय जी, उसके लिए परमात्मा एक आश्रम के लिए हमारे शेखनाथ शिंदे जी और देवेंद्र जी ने 77 करोड़ रुपए उनके लिए दिए। कोई भी निर्णय हमारी सरकार में जात के आधार पर, पंथ के आधार पर, धर्म के आधार पर नहीं होता। प्रधानमंत्री ने उज्ज्वला योजना की शुरुआत की, क्या कभी उसमें कोई जातिवाद हुआ? हिंदू, मुसलमान कोई भी हो, दलित हो, आदिवासी हो, सबको उसका फायदा मिला। आयुष्य योजना में कोई हमने जातिवाद किया? सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, इसी तत्व को लेकर हमने कार्य किया है। 60 साल में जो कांग्रेस नहीं कर सकी वो 10 साल में मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान की तस्वीर बदली है। हिंदुस्तान को समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली विश्व की शक्ति बनाने का संकल्प मोदी जी ने किया है। आत्मनिर्भर भारत करने की बात कही है और दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प किया है। बहनों और भाइयों, जो कांग्रेस 60 साल नहीं कर सकी वो 10 साल में हमारे सरकार ने करके दिखाया, जिसका अनुभव आप सब लोग लेते हैं। उस कामों के बारे में बोलने की आवश्यकता नहीं है। नागपुर जिला हो, विदर्भ हो, नागपुर शहर हो, हमारे किए हुए काम आपके सामने है। और जब काम के आधार पर हमारे ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकते तो एक फिलॉसफी होती है, एक थ्योरी होती है कि जब कन्विंस करना नहीं होता तो कंफ्यूज करने की कोशिश की जाती है। कांग्रेस के नेता एक ही प्रचार कर रहे हैं कि 400 सीटें मिलेगी तो हम भारत का संविधान बदल देंगे। मोदी जी ने भी कहा, हम सब लोगों ने भी कहा है कि बाबा साहेब अंबेडकर जी ने जो संविधान दिया है वो हमारे लिए बहुत ही पवित्र है। वास्तविक रूप से
केशवानंद भारती केस में जब सुप्रीम कोर्ट में केस दायर हुई थी, तब सुप्रीम कोर्ट के सात जजेस ने, बेंच ने यह निर्णय दिया है कि साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज, जो हमारे संविधान के मूलभूत तत्व है वो बदल नहीं सकते, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। और मैं आप कांग्रेस वालों को यह पूछना चाहता हूं कि आज तक संविधान को तोड़ने का पाप किसने किया है? संविधान को तोड़ने का पाप कांग्रेस पार्टी ने किया है। 80 बार कांग्रेस पार्टी ने संविधान को तोड़ा है। इमरजेंसी के समय, इंदिरा जी के समय ऐसे निर्णय हुए कि जिसमें पूरा हमारा लोकतंत्र समाप्त होने की कगार पर खड़ा था। बहनों और भाइयों, हम इस बात को मानते हैं कि कोई भी व्यक्ति उसकी जात पंथ धर्म भाषा और सेक से बड़ा नहीं होता, उसकी गुणवत्ता से बड़ा होता है। इस समाज की छुआछूत, अस्पृश्यता, जातीयता, सांप्रदायिकता सब नष्ट करके सबका साथ, सबका प्रयास, सबके विकास, इसके आधार पर मोदी जी आत्मनिर्भर भारत का सपना लेकर आपके सामने आए हैं। मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि जो 60 साल कांग्रेस नहीं कर सकी, वो 10 साल मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने पूरे देश में करके दिखाया।